उन्होंने बोला मुंबई में किसी भी चीज के लिए भरोसा कर भाई, लेकिन घर के पीछे भरोसा मत करना। जब मुझे अगले 10 दिन बाद का मुझे ठिकाना नहीं पता कि मैं कहाँ रहूंगा कैसे रहूंगा। आज हम डेल्ट और आर्म्स ट्रेन करने वाले हैं। आज 22 जनवरी है और हर जगह पे वो जो झंडे लगे हुए हैं ना, मतलब बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है वो देखकर। हर जगह पे वो जय श्री राम के गाने बज रहे हैं। तो ध्यान रखना कि आपके सबसे पहले भगवान आपके मम्मी पापा हैं, और अगर उनको खुश रखोगे ना तो भगवान भी खुश रहेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू गाइस हैविंग अ रियली ग्रेट डे। अभी जस्ट क्लास के लिए निकल रहा हूँ अपना बड़ा सा बैग लेके, एंड इससे मिलिए। इसका नाम मैंने सोनू रखा है। सोनू ये 7 या 8 साल की है और बहुत ज़्यादा काम डॉग है। यहाँ पे लास्ट लॉक का पूरा डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है। ये मैंने पैक कर लिया अपना मील बॉक्स और बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं यहाँ से। और हाँ, जाने से पहले पता है इतना गंदा स्विच होता है ना ये टाइम, अभी 12 बज रहे हैं दिन के 12, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँगा ना अभी तो रात के 8 बज रहे होंगे। सीधे 8 घंटे की क्लास के बाद मिलूँगा मैं आपसे। जब से मुझे लास्ट एडवाइस मिली है बालों को कोम ना करने की, तब से मैं कोम नहीं कर रहा हूँ वॉश करने के बाद में भी, और जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। ग्रोथ नहीं, जो वॉल्यूम है एक्चुअल में, ऐसे बाल बहुत ज़्यादा से दिखते हैं, वो भरे भरे दिखते हैं। तो जस्ट अभी क्लास खत्म हुई और क्लास खत्म होने के बाद मैं अभी जिम के बाहर आ गया हूँ, क्योंकि क्या होता है एनर्जी बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुकी होती है। लेकिन अगर मैं जिम नहीं जाकर सीधे घर चला जाऊँ, और घर पे जाकर मैं थोड़ी देर लेट भी जाऊँगा ना, तो वो नैप में बदल जाएगा, बिकॉज बिल्कुल क्रैश करने की हालत में होता हूँ। और हमेशा इतने सारे मिस कॉल्स मिलते हैं ना, अभी लाइन से 11 मिस कॉल्स हैं, मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स के, क्योंकि मैं अपने 8 घंटे के लिए फ़ोन नहीं चला पाता हूँ, जिस वजह से उस टाइम पर जो भी कॉल्स आ रहे होते हैं मैं नहीं उठा पाता। बट मेरी क्लास के टाइम पर मेनली ये चीज़ इसलिए की जाती है क्योंकि फ़ोन वाइब्रेट भी करे जेब में ना तो ध्यान भटकता है, तो हम अपने फ़ोन वॉच वगैरह सारी चीज़ें उतार कर केवल क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये क्लास में मेनली सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खुद के बारे में पता चलता है, और जो भी चीज़ होती है ना डायरेक्टली मुझ तक पहुँच पा रही होती है। जब ये सब चीज़ें मेरे साथ में नहीं होती है, तो स्ट्रेट 8 आवर्स का ब्रेक रहता है पूरे फ़ोन सोशल मीडिया सब कुछ चीज़ों से। अभी लेकिन क्लास के बाद में मुझे काफ़ी थोड़ा सा ऐसे बिट्रेयल वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ी सी दिन पहले भी आई थी मुझे ये फीलिंग। मैं तब से अपना फ्लैट ढूंढने में लगा हुआ हूँ, मुझे प्लेस नहीं मिल पा रहा। मुंबई में घर ढूंढना ना इतना बड़ा हेडेक है, दिमाग खराब हो जाता है। एंड मेरे को एक फ्रेंड मिला था जिसने मुझसे कहा था कि हम साथ में घर देखते हैं, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। एंड मैं रिलाई कर रहा था, वो भी रिलाई कर रहा था मुझ पर, बट वो अपने फ्रेंड के साथ में कहीं और देख लिया, तो वो नहीं मिल पाया मुझे घर। एंड अभी एक और घर मिला था, मेरे फ्रेंड ने मुझे ही बताया था कि काम करते हैं यहाँ पर, यू कैन लिव। और मैंने इस चक्कर में 10 डेज तक बिल्कुल भी दूसरे घर या कहीं पर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा कि ओके मैं फरवरी से वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। बट करेंटली मतलब जस्ट अभी उसका ना कॉल आया, मैंने उससे बात करी तो मुझे पता चला कि ओके फैमिली ने मना कर दिया उसकी, बिकॉज उसकी फैमिली दूसरी सिटी से यहाँ पर आती रहती है, दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर रूम रेंट नहीं कर रहा है। तो मुझे एकदम से ऐसा अभी लग रहा है वापस से 10 डेज बचे हैं जी जनवरी मंथ खत्म होने में, और मुझे इन 10 डेज में कोई ना कोई घर देखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अभी जिन भैया के साथ में रह रहा हूँ मैं उनको बात बता रहा था कि यार देखो ऐसा ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला मुंबई में किसी भी चीज़ के लिए भरोसा कर भाई, लेकिन घर के पीछे भरोसा मत करना जब तक तेरा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए, घर वाला एग्रीमेंट कि तू एक्चुअल में यहाँ रहने वाला है। अदरवाइज यहाँ पे घर ऐसे पलटते रहते हैं, चीजें ऐसे पलटती रहती हैं और बातें भी पलट जाती हैं। तो कैसे क्या होता है 10 डेज में कहाँ रहने वाला हूँ मैं, क्या होगा मुझे अगले 10 दिन बाद का मुझे ठिकाना नहीं पता कि मैं कहाँ रहूंगा कैसे रहूंगा। और मैं करंट वाले को भी मैं एक्सटेंड कर सकता था, बट वो घर भी बंद होने वाला है क्योंकि 1 तारीख से उन भैया का भी शूट वूट सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो भी बाहर चले जाएंगे। तो एक्चुअल में मेरे पास मेरे इतना सारा सामान है जो गाड़ी में भी पीछे वाले डिग्गी में भरा हुआ है, और घर पे काफी सामान पड़ा हुआ, और वो सारा कुछ लेके गाड़ी में भर के मुझे नहीं पता 10 डेज बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ। पर अभी के लिए आई नो एक चीज़ कि कैसे भी करके इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल ही लूँगा मैं, और अभी मेरे कंट्रोल में नहीं आ पा रही एकदम से चीज़, तो कोई बात नहीं, जब आएगी कंट्रोल में इन 10 डेज में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। बट अभी के लिए अपना वर्कआउट करने के लिए चलते हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डेल्ट्स और आर्म्स ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि कल जब दिया के साथ में ट्रेन किया था तो 2 एक्सरसाइज चेस्ट ही करने के बाद में उसने बोला कि उसको बैक ट्रेन करना है। तो यूजुअली मैं बैक और चेस्ट अलग अलग डेज पे करता हूँ, और पता नहीं लास्ट टाइम मैंने कब ट्रेन किया होगा चेस्ट और बैक साथ में, बट कल हो गया। तो मेरे डेल्ट्स और आर्म्स रह गए जो कि मैं चेस्ट और बैक के साथ साथ में किया करता था, तो आज वो दोनों मसल ग्रुप को साथ में करके वो वर्कआउट रूटीन को कंप्लीट कर लेंगे, वरना OCD बना रहेगा। एंड पता है मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा OCD आता है कि जैसे मैं चेस्ट के साथ में शोल्डर और ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं चेस्ट के साथ में बैक ट्रेन करने के लिए ना मुझे बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। तो कल ऐसा ही कुछ हुआ था एकदम से, जब चेस्ट के साथ बैक ट्रेन किया मैंने, बट बॉडी डिफरेंट फील करती, मेरी बैक सोर हो गई थी पता नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने बैक ट्रेन करी थी एंड दोबारा मैंने बैक ट्रेन कर ली।
पहना हुआ है, ये क्वार्क का है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन छोड़ दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अपने पंप को छुपाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। और इस ओवर साइज टी शर्ट के नीचे क्या पंप छुपा हुआ है वो मैं अभी आपको बता दूँगा। ये टी शर्ट और ये लोअर दोनों मैंने एक्सेल साइज पहने हुए हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और आनंद 30 कोड का यूज़ करके आप और अच्छा डिस्काउंट पा सकते हो। मेरी ये चाबी आज सुबह नीचे गिर गई जिस वजह से लॉक ही काम नहीं कर रहा है। वो कर गया, ओ वाह, जय श्री राम। आज 22 जनवरी है और हर जगह पे वो जो झंडे लगे हुए हैं ना, मतलब बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है वो देखकर। हर जगह पे वो जय श्री राम के गाने बज रहे हैं और पूरा भजन बज रहे हैं, वो जो वाइब बन गई है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना। पूरे वर्कआउट के दौरान मैं जय श्री राम पूरे इस तरीके के गाने सुन रहा था और इतना ऐसे पम्प्ड अप फील हो रहा था ना, ऐसा मन कर गया कि जल्दी से अयोध्या जाकर देख कर आना है। बट एक बात मेरे को आप सभी लोगों को कहनी थी कि कई सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और भगवान पे विश्वास करते हैं, और अभी के टाइम पे जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, इसमें काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो ऐसे भगवान पे विश्वास करते हैं, मानते हैं वो सारी चीज़ें, वो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट एक चीज़ मुझे बार बार आती है दिमाग में कि अगर आप रिलीजियस हो ना, उससे पहले याद रखना कि आपके घर में आपके मम्मी पापा से संबंध भी बहुत अच्छे रखना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रखते हैं, लड़ाई दंगे कर रहे होते हैं, कुछ भी झगड़े कर रहे होते हैं और बाहर जाके माथा टेक रहे होते हैं, और घर में मम्मी पापा ही आपसे अगर परेशान है तो वो मतलब वो वाला भजन है ना कि कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं तो बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। तो ध्यान रखना कि आपके सबसे पहले भगवान आपके मम्मी पापा हैं, और अगर उनको खुश रखोगे ना तो भगवान भी खुश रहेंगे, और भगवान खुश रहेंगे तो आप खुश, आपकी फैमिली खुश, सब लोग खुश रहेंगे, आपके आसपास की चीजें खुश रहेंगी। तो ध्यान रखना कि आपके घर का माहौल सबसे अच्छा बना रहे और आप सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश रखें। पता है ग्वालियर में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, जहाँ पर मम्मी पापा रह रहे हैं, मेरे भी भाई रह रहा है, वहाँ पर बता रहे हैं 500,000 लाइट्स लगी हैं और दिवाली पर भी इतनी सजावट नहीं हुई थी जितनी अभी के टाइम पे सजावट हुई थी। कल मेरी मम्मी पापा से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि भाई बहुत अलग माहौल है। और एक्चुअल में क्या है ना, हमारी सोसाइटी में भी अभी एक नया मंदिर बना है तो वो एक एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन और इतने धूमधाम से मन रहा है ना, मेरा तो इतना मन कर रहा है कि मुझे वहाँ पर होना चाहिए था, बट अभी क्लास की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ। वैसे डे 2 है और अभी मैं क्लास पर आ चुका हूँ, तो अभी 118 हो रहा है और इसके बाद में 12 मिनट्स बचे हुए हैं। 12 मिनट्स के अंदर हमें अपना होमवर्क फिनिश करना है। He is my partner and he is also my partner who is not that. He actually does it. He just needs a little push. तो अभी बस हमें क्लास के अंदर जाएंगे और 12 मिनट के अंदर अपना होमवर्क करके इसी के साथ में आज के इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेस व्लॉग। व्लॉग पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। लव यू ऑल, पीस, चलो बाय बाय।